टू अपनी क्लास चैनल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का पेपर जो हाल ही में 2020 में हमारा पेपर जो है हुआ है और ये मैक्सिमम मार्क्स जो है 85 हैं और इससे पहले केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश और भी बहुत सारे पेपर जो है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ सो आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उनका मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। और मोटे तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स का पहले 1 to 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक जो है 3 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चन आएंगे, 14 से 22 तक जो है 4 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक दैट कैरी 6 मार्क्स ईच। ओके सो सभी क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी हैं और साथ में आपको बता दूं पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के वो साथ साथ में उसके मैं आपको आंसर भी बता दूंगा और आप इसके लिए वीडियो जरूर देखें। सो पहला क्वेश्चन जो है आप यहां पे देख सकते हैं उसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी दैट इज -5/3 जो है वो सही आंसर है। ये आपकी सुविधा के लिए ही मैंने क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो पहले से ही लिख के रखे हैं। और दूसरे क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है दैट इज ए इज 0 मैट्रिक्स। ओके सो क्वेश्चन नंबर थ्री का आपका सही आंसर जो है आप सॉल्व करके अगर निकालेंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है वो उसका सही आंसर होगा। सो यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको आइडिया हो पाए कि कैसा पेपर आ रहा है और किस तरह से जो है हम अच्छी तैयारी करके जो अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आप देख सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आपका ऑप्शन बी जो है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है अब आप देख पा रहे हैं पहले 10 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर जो है साथ में ही है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर जो है आपका ऑप्शन डी दैट इज नॉट डिफाइंड। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आगे भी जुड़े रहने के लिए इस तरह के वीडियो के अपडेट के लिए आप जरूर अपनी क्लास चैनल जो है सब्सक्राइब करूँ क्योंकि मैं HP बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है वो अक्सर लेके आता रहता हूँ तो और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वीडियो की एकदम सबसे पहले जो है वो मिल पाए। सो हमारा ये 9वां क्वेश्चन और लास्ट में जो है हमारा 10th क्वेश्चन जो है और आगे जो है वो बड़े क्वेश्चन हैं तो आप देख लीजिएगा या चाहे आप जैसे भी आपको पॉज करके जो है वीडियो आप चेक कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींच के जो है आप क्वेश्चन जो है वो रख सकते हैं। तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इससे आगे भी वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन है जो हमें ज़रूर मिलती है और हमारा हौसला भी बढ़ता है और इससे फ़ायदा जो है आप लोगों का ही होने वाला है। सो गाइज़ आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए किसी भी तैयारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि पेपर जो है कैसा आता है या किस तरह से अटैम्प्ट हम कर सकते हैं सारी स्ट्रेटजी जो है तो आप यहीं से आइडिया ले सकते हैं कि पेपर जो है आपका किस तरह से आ रहा है और आगे भी किस तरह से आएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दी गई है जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ऑप्शन दी गई थी बड़े क्वेश्चन में और 25 क्वेश्चन में भी आपको ये देखिए ऑप्शन जो है वो दी गई है एंड 26 क्वेश्चन में भी आपको जो है ऑप्शन दी गई है। तो जो भी आप अच्छे से आपको समझ में आता है या कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका शायद ग्राफ का है सो
एक क्वेश्चन जो है आपका ग्राफ का भी आता है लास्ट 6 मार्क्स का। तो इस तरह से ये वीडियो जो है वो लगभग कंप्लीट है, क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। सो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें, फ्रेंड में शेयर जरूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।